अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ समीना जलील और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम पकाओ दिल से। जी जनाब, हमारा यूट्यूब चैनल है जहाँ पर आप तमाम लोग हमारी डेली शाम 5 बजे वीडियोस जो है वो देखते हैं, क्योंकि मेरा प्रोग्राम भी 5 बजे आता था। मैंने सोचा आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, 5 बजे आपको एक नई वीडियो जो है रोज़ाना मिल जाती है और आप लोग बहुत इन्जॉय करते हैं अपनी रेसिपीज़ को भी और बनाते भी हैं, फिर मुझे सजेशंस भी देते हैं और मुझे कमेंट्स भी करते हैं, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आज हम आपको बताते हैं कि हमने एक बताया था आप लोगों को कि एक गुड न्यूज़ है। वो गुड न्यूज़ क्या है, वो मुझसे इतने लोगों ने पूछा, वो गुड न्यूज़ क्या है, आप जल्दी से बता दीजिए, वो सरप्राइज तोड़ दीजिए। मैंने कहा नहीं, मैं सबके सामने बताऊंगी ये खुशी की खबर, जो बहुत ही प्यारी सी है, अच्छी सी है, जो मुझे भी दिल से बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। और वो क्या है, वो ये है कि माशाल्लाह वैसे तो मैं नानी पहले ही हूँ 2 बच्चों की, लेकिन अगेन एक दफ़ा फिर मैं माशाल्लाह से नानी बनी हूँ। मेरी बेटी मरियम के यहाँ माशाल्लाह से एक साहबजादे तशरीफ़ लेकर आए हैं, जो कि मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। और माशाल्लाह बड़े टाइम के बाद हुए, तो माशाल्लाह हम सब लोगों को बेहद खुशी थी। तो मैंने सोचा ये तमाम खुशियाँ जो हैं वो आप तमाम लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी, तो वो और भी ज़्यादा अच्छा, क्योंकि आप तमाम लोग मेरे फैमिली मेम्बर हैं। तो इसके बाद मैंने ये सोचा कि देखिए, जब बच्चे होते हैं तो हर घर में पंजीरी या गोंद जो बनाई जाती है वो डिफरेंट स्टाइल की होती है। अब मैंने सोचा कि मैं अपनी बेटी मरियम के लिए जब ये गोंद या पंजीरी जो है वो बना रही हूँ, तो दुनिया में जितनी भी बच्चियाँ हैं वो सब की सब माशाल्लाह से मेरी बेटियाँ हैं और मेरी बेटियों की तरह से हैं, तो उनके लिए भी मैं चाहूँगी कि उन तमाम लोगों के लिए भी ये चीज़ें बने। उनकी माएँ अगर देख रही हैं ना, तो ज़रूर इसको बनाएं और मोहब्बत और प्यार के साथ अपनी बेटियों को दें। और आप यकीन करें कि आपको ख़ुद भी बहुत अच्छा लगेगा, उन्हें भी बहुत अच्छा लगेगा, और एक बड़ी ताकतवर चीज़ है। वैसे भी ज़रूरी नहीं है कि ये आप बच्चों के लिए ही बनाएं, लेकिन आप बना सकते हैं उस वक्त भी जब विंटर्स होते हैं। विंटर्स में भी ये पंजीरी बहुत अच्छी लगती है। इसमें से आप चाहें तो गोंद निकाल दीजिएगा, लेकिन गोंद का अपना एक टेस्ट होता है, मज़ेदार होती है, अच्छी होती है, तो ये बिल्कुल आप सर्दियों में बना सकते हैं। विंटर्स आ रहे हैं तो ये आपके लिए एक विंटर की भी बेहतरीन रेसिपी हो सकती है। हमने आपसे एक सवाल भी पूछा था, और वो सवाल क्या था, वो उसमें वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो उसका लिंक जो है मैं आपको दे देती हूँ, ताकि आप वो देखें दोबारा से और फिर मुझे बताएं जो सवाल मैंने आपसे पूछा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी बेहतरीन सी रेसिपी अपनी बेटी मरियम और जितनी भी बेटियाँ हैं जिनके यहाँ औलाद होने वाली है या हो चुकी है, या उन माओं के लिए जिनको नहीं आती है पंजीरी या गोंद बनाना, बेहद आसान सी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। अच्छा, आप देखिए पैन हमारा गर्म हो गया है, यहाँ पर मैं देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपको पसंद नहीं है तो बिल्कुल ना डालिएगा, आप नॉर्मल बनस्पति में भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं सबसे पहले काम ये करूँगी कि मैं मखाने फ्राई करूँगी, ठीक है। बहुत अच्छा ऐसा हॉट ऑयल हो गया और ये मैं मखाने इसमें शामिल करूँगी। मखाने हैं यहाँ पर मेरे पास तकरीबन 2 कप, ठीक है। थोड़े थोड़े करके करूँगी और स्लो हीट पर करना है, वरना बहुत जल्दी ये जल जाएंगे। वो हम स्लो हीट पर इस तरह से करेंगे कि ये हल्का सा इसका कलर है, और देसी घी की बहुत ही अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो गई है। हल्का सा कलर पे जैसे ही आएगा मैं इसको निकालूंगी और फिर दूसरे पैन के अंदर इसको डाल दूंगी, ठीक है। अच्छा, अब हम करेंगे ये कि कुछ को तो हम कूटेंगे और कुछ को हम साबती ऐसे रहने देंगे। देसी घी, अब पिस्ते, बादाम पिस्ते बहुत ताकतवर होते हैं, तो इसलिए हमने इसको तकरीबन 3/4 कप लिया है। आप मखानों की तादाद को आपने ज्यादा रखना है। अब ये थोड़े से आपको फूले फूले लग रहे होंगे, ठीक है। अब मैं इन्हें भी निकाल लेती हूँ, क्योंकि मैं ज्यादा देर तक करूंगी तो ये डार्क कलर के हो जाएंगे, जो अच्छे नहीं लगेंगे। ये आधा कप अखरोट, और इसमें हम शामिल करेंगे ये काजू भी, ये भी आधा कप है। अप टू यू कि आप ज्यादा करना चाहें तो ज्यादा कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे मैं बार बार इसमें देसी घी का इस्तेमाल करेंगे, मेरी बेटी मरियम को देसी घी में बनी हुई चीजें अच्छी लगती हैं। अब इसको भी हल्का सा हम कलर देंगे। अच्छा, दो दो चीजें करके मैं कर रही हूँ ताकि बनाना आसान हो जाए, वरना इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। चले जी, आपने देखा इस पे काजू पे हल्का सा कलर आ गया, और काजू जो है बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं। इसको मैं निकालती हूँ। छुआरे बहुत हेल्दी होते हैं, आप जरूर इसमें डालिएगा। ये देखिए, ये मैंने काट लिए बारीक बारीक, इसी तरह से आप भी काटिएगा। कि मैं बना रही हूँ ना, ये मेरी वालदा की है और मेरी खाला बनाया करती हैं, उनके साथ मिलके मैंने बहुत दफ़ा बनाई, तो मैं अपनी बेटी को बना के भेजिए।
तो बिल्कुल आप भी अपनी बेटियों को इस तरह से, ठीक है, ये चीज़ें जो होती हैं मोहब्बत बहुत ज़्यादा देती हैं, खुलूस होता है इनमें, और फिर ये कि बहुत सारी दुआएं भी आपको मिलेंगी। हल्का सा इसको करूँगी और साथ थोड़ा सा हम इसको अलग कर देते हैं। अब मैं इसमें शामिल करूँगी ये चारों मकस, यहाँ से इसको निकाल लेती हूँ। ऑलमोस्ट हो गए और मैं छोरों के अंदर ही इसको निकाल लूँ क्योंकि इसको मैं कूटूंगी नहीं। अच्छा, नारियल मेरे पास इस तरह से श्रेड हुआ हुआ है, ये हाफ अ कप है, आप चाहें तो बिल्कुल पिसावा भी ऐड कर सकते हैं, ये चला गया इसके अंदर। अच्छा, इसको भी मैं छोरों के साथ ही डालूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी हो गया, और ये देखिए अब बारी आती है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इसके लिए भी हमें थोड़ा सा ज़्यादा देसी घी का इस्तेमाल करना है। ये मैंने तकरीबन 4 टेबल स्पून के करीब इसमें डाल दिया, और अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ शाइनी सी, ये आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगी, इसको हम अभी पहले इधर डालेंगे। ये देखिए जी, ये थी तकरीबन आधा कप। अभी आपने आँच को थोड़ा सा स्लो ही रखना है, ठीक है, ये साइड से देखें जो छोटे वाले थे वो होना शुरू हो गए, मैं ज़रा सी आँच को बढ़ाऊँगी। देख रहे होंगे ये कितनी थी और कितनी एकदम से बहुत सारी हो गई, ये देखिए क्रिस्पी। मैं आपको दिखाती हूँ, साउंड आपको आ रही है, चलो हम इसको निकालती हूँ। देसी घी का और इस्तेमाल करेंगे ये क्या इसमें, ताकि एक टेम्परेचर जो है ना इसको इक्वल हो जाए। ये इसमें सूजी और इसको हम बस हल्का सा भूनेंगे, इसका कच्चा पान दूर हो जाए। अच्छा, आप चाहें तो इसी के अंदर छोटी इलायची का पाउडर जो कि यहाँ पर है तकरीबन 1/2 टीस्पून, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। ये आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा इस पर कलर आना शुरू हो गया। अब मैं काम करती हूँ, फ्लेम ऑफ कर देती हूँ और इसी के अंदर इसको रहने देती हूँ ताकि थोड़ी सी हीट के साथ हल्का सा इस पर मज़ीद कलर आ जाए। ज़्यादा करूँगी तो कलर डार्क हो जाएगा, इसको मैं ऑफ कर देती हूँ। ये ऑफ हो गया, आइए अब इसको हमें काम करते हैं, जितनी चीज़ें हमने फ्राई की हैं उनको हम कूटते हैं। अच्छा, ये जो मखाने हमारे पास फ्राई हुए थे अब मैं इसमें डालूंगी। ये देखिए, अच्छा ये नारियल छुआरे और साथ ही चारों मगर्स, ये हम इसमें ऐसे ऐड कर देंगे। चलिए ये इसमें सूजी, अब देखा आपने भी कितना अच्छा सूजी का कलर आ गया, बेहतरीन सा। अच्छा, अब आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, मैं इसमें थोड़ी सी इसमें चीनी ऐड करूंगी, तकरीबन पिसी हुई चीनी इस्तेमाल करेंगे 2 टेबल स्पून, ये रही चीनी। अच्छा, चीनी ये अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो बिल्कुल मत डालिएगा, क्योंकि इसकी नेचुरल मिठास होती है मेवाजात की, तो कुछ लोगों को नहीं अच्छी लगती, लेकिन मेरी बेटी को पसंद है तो इसलिए मैंने इसमें डाल दी है 2 टेबल स्पून चीनी। अब हम इसको मिक्स करेंगे, ये देखिए, और ये बेहतरीन सी हमारी गोंद जो है वो तैयार हो गई। पंजीरी तो तैयार हो चुकी है, दिखने में ही बहुत अच्छी लग रही है, आप लोगों को भी यकीनन बहुत अच्छी लगी। अब मैं इसको थोड़ा सा डेकोरेट करूंगी और अपनी बेटी मरियम को ये पहुंचाने के लिए जा रही हूँ। तो बिल्कुल जनाब, आप भी इस पंजीरी को बनाइएगा या इस गोंद को बनाइएगा और अपनी बेटियों को पहुँचाइएगा मोहब्बत और प्यार और खुलूस के साथ। Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you-
you try to stay strong and fake a smile until I